छाती फोड़ रहे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की कॉमेडी हेरा फेरी ने दर्शकों को खूब हंसाया। ऐसे में अब फिल्म की तीसरी कड़ी की तैयारियां मेकर्स ने शुरू कर दी हैं। निर्माता फिरोज नाडियावाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में हेरा फेरी 3 पर काम करने की पुष्टि की। उन्होंने इस दौरान इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि फिल्म के तीसरे पार्ट में कौन कौन कलाकार होंगे। दोस्तों, फिरोज नाडियावाला ने बॉलीवुड हंगामा में बताया कि आपको हेरा फेरी 3 बहुत जल्दी ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील इस फिल्म का हिस्सा होंगे। कहानी अपनी जगह पर है और हम कुछ नए तौर तरीकों का काम कर रहे हैं। किरदारों की मासूमियत को बरकरार रखते हुए इसे दर्शकों के हिसाब से बनाया जाएगा। हम पिछली सक्सेस को हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए हमें अपने कंटेंट, कहानी, स्क्रीन पे, कैरेक्टर्स, तौर तरीके आदि के मामले में सावधान रहना होगा। बता दें कि हेरा फेरी 2000 में रिलीज हुई, इसके बाद फिर हेरा फेरी 2006 में रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। पहले पार्ट का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था, जबकि सीक्वल का लेखन और निर्देशन दिवंगत नीरज वोहरा ने किया। हाल ही में ऐसी अफवाहें आई हैं कि ड्रीम गर्ल के निर्देशक राज शांडिल्य हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करेंगे। हालांकि फिरोज नाडियावाला ने कहा है ये सच नहीं है। उन्होंने ये भी शेयर किया कि टीम ने 2014 में हेरा फेरी 3 पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन नीरज वोहरा के बीमार होने के बाद उन्हें रुकना पड़ा। हालांकि फिल्म में नई कहानी, किरदारों के लिहाज से काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी हेरा फेरी 3 को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।